गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल. सो आज से हम लोगों का ये जो करंट अफेयर्स का क्लास होगा, द डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, दिस विल बी एट 11:45 AM. ये फिक्स टाइम हो गया है फॉर द कमिंग मंथ, द होल मंथ ऑफ अप्रैल. ये फिक्स टाइम पे वी विल बी हैविंग दी CA MCQs एवरी सिंगल डे, ठीक है. इसके अलावा द सेकेंड सेशन दैट वी विल बी हैविंग ऑन YT वुड बी एट 8 PM, जो कि होगा आर्ट एंड कल्चर का. सो दिस इज अ न्यू सीरीज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया. द एंटायर बुक आई विल बी कवरिंग चैप्टर वाइज, ठीक है. आज आर्किटेक्चर करेंगे पार्ट वन. सो ये दो क्लासेस फिक्स हो गए हमारे YT के. अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पेशल क्लासेस होते हैं उस पर द फर्स्ट क्लास वील हैव वुड बी एट 1 PM, जहाँ पे मैं PYQ की मॉक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. पिछले 10 से 12 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड PYQ मॉक्स होगा, ठीक है. 2 PM पे we'll have our macroeconomics class as and when the weight was going, followed by the 7 PM lecture, जहाँ पे हम लोग करेंगे PYQ का एक और session. So 2 PYQ sessions every single day. And the last one would be at 9 PM, wherein we would be covering physical geography. ठीक है. So this is the whole schedule which will continue for the month of April. ये इधर जो left hand side में classes दिए गए हैं, all of these will be on the Unacademy app, जो कि special classes होंगे और YT के 11:45 and 8 PM पे, ठीक है. हेलो पुनीत, हेलो सौंदर्या, हेलो रश्मिता, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. अच्छा, एक बार प्लीज क्विकली मेरे को बता दो कमेंट्स में इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर. लैग तो नहीं आ रहा कोई? यू कैन सी द एनोटेशंस एंड एवरीथिंग, प्लीज लेट मी नो एंड देन वील बिगिन विद द क्लास. जस्ट क्विकली टेल मी वंस. I think it's pretty much visible. I'll just start again. Yeah, let me just go through the comments once. Great, great. All right, perfect. Not yet, Vishal. DNA अभी start नहीं कर रहे because DNA already हो रहा है दीपांशु सर and I think इसी वाले चैनल पे we have शरद त्रिपाठी सर, ये लोग ले रहे हैं DNA and the editorial analysis. तो आप उनका session देख सकते हो. Post that we will have this particular series, ठीक है. On that note, starting with the session. So before I begin, just a quick reminder. आज last date है जो हम लोगों का Unacademy का mega subscription offer आया है. We have extended it till today. ठीक है, 31 July 2022 तक का guaranteed subscription है and this offer is valid on all the GS Iconic combo and the optional subscription that we are having. ठीक है, to enroll for any of the courses जो कल से start हुए हैं, that is from the 31st of March, just use the code SHIVGLIVE and you can get a discount of 10% on all the courses. ठीक है. On that note, before I begin, a very quick reminder about the Unacademy combat that we'll be having on the 4th of April. 60 questions, 60 minutes mein, 4 crore ka scholarship pool hai top 500 ranks ke liye. Please use the code SHIVGLIVE for free enrollment. ठीक है, link iska aapko niche description mein mil jayega, upar comments mein bhi team pin kar degi. Okay, on that note, here comes the first question for today. Chota sa session hai aaj ka. I think I have a set of 12 or 13 questions today. ठीक है, there wasn't much in the news that we were had today, but we'll be covering it all. Hello Nitin, good morning, welcome to the class. अच्छा रश्मिता, थोड़ा सा लाग हो रहा है तो वो चल जाएगा, बिकॉज यूजली नेट में इस टाइम कुछ ना कुछ इशू आता है, बट आई होप बाय द नेक्स्ट क्लास ये फिगर आउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द छिलका लेक, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट है दैट इट इज अ ब्रैकिश वाटर लगून. द सेकंड स्टेटमेंट सेज द लेक इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द दया रिवर फ्लोइंग इन टू द बे ऑफ बंगाल. सो यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. सो क्विकली क्विकली आंसर. नहीं विशाल, इट इज एट 11:45 नाउ. सो गाइज 12 PM नहीं है, 11:45 AM होगा, फिक्स टाइम है ये. ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का क्लास होगा. बाय 12:15 और बिफोर 12:15 विल बी वाइंडिंग दिस अप. ठीक है, ये फिक्स टाइम रहने वाला है करंट अफेयर्स एमसीक्यू का पूरा महीना फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. और दूसरा जो क्लास है शाम को वो होगा 8 बजे ऑन आर्ट एंड कल्चर. नितिन सिंघानिया कवर कराऊंगी मैं चैप्टर वाइज. ठीक है, ये दो YT के क्लासेस हैं. चलो क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन. Okay, so we have answers coming. Nikhil has already answered. He's answered C. All right, let two more people answer, then we'll discuss. Okay, Abdul has also answered C. One more and then we'll discuss quickly, quickly. Rashmita has answered D. Nitin has answered C. Absolutely right, guys. C is the correct one. दोनों ऑप्शन सही हैं इससे रिलेटेड. छिलका लेक एक ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि पूरी खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में स्प्रेड करता है. ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट आता है द लेक विच इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर इट फ्लोज इन टू द बे ऑफ बंगाल. एशिया का लार्जेस्ट लेक है एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून आफ्टर द न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ. एब्सोल्युटली राइट पुनीत, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी वाटरफाउल के लिए और 1981 में छिलका लेक पहला इंडियन लेक था या इंडियन वेटलैंड था जिसको रामसार कन्वेंशन के तहत
इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे नालाबना आइलैंड्स हैं, द फॉरेस्ट ऑफ रीड्स जो कि कवर करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और छिलका को एक बर्ड सैंक्चुअरी डिक्लेयर किया था 87 में। मेजर अट्रैक्शन है यहाँ पे इरावाडी डॉल्फिन जो कि इसके अलावा म्यांमार में पाई जाती है। क्लियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? येस नो एनीथिंग? ग्रेट ग्रेट, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द 15th वन इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू अलाउ रिक्रिएशनल यूज ऑफ मैरिवाना। तो आउट ऑफ द गिवन 4 स्टेट्स, कौन सी 15वीं स्टेट है जहाँ पे रिक्रिएशनल यूज ऑफ मैरिवाना को लीगल स्टेटस मिल गया है? सो वी हैव फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, आयोवा एंड न्यूयॉर्क। आउट ऑफ द गिवन 4, विच इज द स्टेट? क्विकली टेल। सो वी हैव आंसर्स कमिंग। नितिन हैज आंसर डी, ओके। विशाल हैज टेकन अ गेस ऑन डी। वन मोर टू कम एंड देन वील डिस्कस। निखिल हैज ऑल्सो आई थिंक मार्क डी। इट वॉज डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है। एज इन कल या आज के पेपर में आता है, आई मीन आई हैव रेड इट समवेयर इवन इन येस्टरडेज पेपर और लाइक टुडेज पेपर। करेक्ट ऑप्शन है डी, न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क बिकेम द 15th स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे मैरिवाना का यूज लीगलाइज हो गया बाय द अडल्ट एंड सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पसेज के लिए, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी फॉर दिस वन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। सो द हाइएस्ट सिविल ऑनर जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट देती है, इसके लिए किसको चुना गया है आउट ऑफ द गिवन 4? आशा भोसले, ए आर रहमान, लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल। अच्छा हाँ रश्मिता, पिछले वाले क्वेश्चन का डी था आंसर। नाउ द न्यू क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो कि महाराष्ट्र का हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है, उसके लिए किसको चुना गया है? सो वी हैव आंसर्स कमिंग। अब्दुल वेरी श्योरली ए, नितिन हैज मार्क सी, ओके। टू मोर पीपल आंसर देन वील डिस्कस। निखिल हैज आंसर ए, पुनीत हैज आंसर सी, विशाल इज नॉट श्योर ऑन सी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एब्सोल्युटली राइट अब्दुल, इट इज आशा भोसले। एब्सोल्युटली राइट निखिल, इट इज आशा भोसले। सो आशा भोसले को एक एब्सोल्युटली राइट रश्मिता, रिसेंटली महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था जो कि स्टेट का हाईएस्ट ऑनर है एंड इस सिलेक्शन कमिटी के को प्रिसाइड करा था महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी ने, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज अग्री टू रिवैम्प इट्स स्ट्रेटेजिक एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया। आउट ऑफ द गिवन 4, कौन सा ऐसा नेशन जिसने वापस से रिवैम्प करी है अपनी स्ट्रेटेजिक एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया? फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए। आउट ऑफ द गिवन 4, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बोथ। उस बेसिस से ये न्यूज जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वी हैव आंसर्स कमिंग ऑलरेडी फॉर दिस वन। विशाल हैज आंसर ए, अब्दुल हैज आंसर डी, विशाल है फ्रांस, नितिन इज ऑल्सो आंसर फ्रांस, ओके। लेट टू मोर पीपल आंसर देन वील डिस्कस। क्विकली टेल, पुनीत इज आंसर फ्रांस, निखिल इज आंसर डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी गाइस, इट्स यूएसए। यूएसए ने और इंडिया ने रिसेंटली मार्च 29 को रिफ्लेक्ट करा था नए प्रायोरिटीज पे, जहां पे वो फोकस करेंगे किस तरीके से दे कैन प्रमोट क्लीन एनर्जी विद लो कार्बन पाथवेज एंड एक्सेलरेट ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार्बन फुटप्रिंट किस तरीके से सेव कर सकते हैं और किस तरीके से ग्रीन एनर्जी के एरियाज में दोनों कंट्रीज R&D कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, वर्क कर सकते हैं, इंडिया एंड यूएस से आप सॉर्ट आउट की अपनी स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को रिवैम्प करेंगे। क्लियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन फॉर ऑल द पीपल जिनको फ्रांस और यूएसए में कंफ्यूजन था, इट इज यूएसए फॉर दिस वन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच नेशन विल विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम इथियोपियाज टिग्रे रीजन एज पर द इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद अली। रिसेंटली एबी अहमद अली जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि इस कंट्री के जो ट्रूप्स हैं इथियोपिया में मेंशन थे टिग्रे रीजन में, उसको हटा दिया जाएगा। दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज इन द न्यूज फॉर द पीस प्राइज ऑल्सो, और साथ ही साथ में ये जो वॉर हो रहा था इथियोपिया और इस कंट्री के बीच में, इट वॉज प्रोमिनेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक न्यूज में था। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेशन। सो वी हैव सुडान, सोमालिया, कीनिया, एरिट्रिया। आंसर्स आर ऑलरेडी कमिंग। अब्दुल हैज आंसर डी, स्वयं हैज आंसर डी, नितिन हैज आंसर डी। एब्सोल्युटली राइट गाइज, इट्स एरिट्रिया, ठीक है। एरिट्रिया ने अग्री करा कि वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा इथोपिया के नॉर्दर्न टिग्रे रीजन से अलॉन्ग द म्यूचुअल बॉर्डर, और यहाँ पे जो इथोपिया की मिलिट्री है दैट वुड बी गार्डिंग दिस पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया, ओके। एब्सोल्युटली राइट निखिल। हेलो आशुतोष, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेरी वेल, ठीक है। चलो अगला, अच्छा ऑल्सो वन मोर थिंग बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। पहला, एरिट्रिया का लोकेशन क्या है, एरिट्रिया एंड इथोपिया दोनों का लोकेशन क्या है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लोकेशन से मतलब ये देख लेना क्या लैंड लाइक
ये दोनों कंट्रीज लैंड बाउंड हैं, आसपास कोई रिवर बॉडी से इंपॉर्टेंट, ट्रेड पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. दूसरा, यहाँ पे अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं पावर में, नया पीएम बना है, नया प्रेसिडेंट बना है, मिलिट्री कूप हुआ है, एक बार वो देख लेना, ठीक है. और साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी, किस तरीके से अगर किसी को कोई भी इंपॉर्टेंट प्राइज मिला है, पीस प्राइज या कुछ भी मिला है, इधर ऑफ द टू प्रेमियर्स को, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलियम्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हेल्ड टॉक्स ऑन डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल विद विच नेशन. रिसेंटली आउट ऑफ द गिवन फोर नेशंस, इंडिया ने डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल के टॉक्स होल्ड करे थे आउट ऑफ द गिवन फोर, किसके साथ? यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस. विच वॉज इट? एब्सोल्युटली राइट अब्दुल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका वैसे भी इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो वी हैव आंसर्स कमिंग टू दिस क्वेश्चन ऑलरेडी. नितिन हैज आंसर्ड सी, ऑस्ट्रेलिया. ओके, लेट थ्री मोर पीपल आंसर, देन वील डिस्कस क्विकली टेल. एंड रश्मिता, पिछले वाले क्वेश्चन का डी वॉज द करेक्ट वन. पुनीत हैज आंसर्ड सी फॉर दिस वन. ओके, रश्मिता हैज आंसर्ड ऑस्ट्रेलिया. वन मोर एंड देन वील डिस्कस क्विकली क्विकली. सो साक्षी हैज ऑल्सो आंसर सी, एब्सोल्युटली राइट गाइज, इट इज सी ऑस्ट्रेलिया. रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने सिक्स राउंड ऑफ टॉक करा था ऑन द इंडो ऑस्ट्रेलिया डायलॉग ऑन डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, जहां पे दोनों साइड्स ने डिस्कस करे कंटेम्प्रेरी इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. ठीक है, यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर? किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो समझ नहीं आया इन एनी ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस सो फार? एब्सोल्यूटली राइट आकाश, इट्स ऑस्ट्रेलिया. ग्रेट ग्रेट, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर अ रीसेंट स्टडी, द हीट वेव्स अकरिंग इन इंडिया इज ड्यू टू द वार्मिंग अप ऑफ विच रीजन. तो अभी से इंडिया में जो हीट वेव्स आ रही हैं आउट ऑफ द गिवन फोर ओशन से, आउट ऑफ द गिवन फोर रीजन, किसके वार्मिंग अप की वजह से इंडिया में वी आर फेसिंग सच हाई टेम्परेचर्स ऑलरेडी, जहां पे 40-40 डिग्री अभी से टच हो रहा है? आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और द इंडियन ओशन. सो वी ऑलरेडी हैव आंसर्स कमिंग फॉर दिस क्वेश्चन. प्रतीक हैज आंसर ए. ओके, लेट थ्री मोर पीपल आंसर, देन वील डिस्कस क्विकली टेल. नितिन हैज आंसर ए. ऑल राइट, टू मोर पीपल. आकाश हैज आंसर आर्कटिक. विशाल इज कंफ्यूज बिटवीन सी एंड ए. ओके, पुनीत हैज आंसर ए. एब्सोल्युटली राइट गाइस, इट्स आर्कटिक ओशन. ठीक है, आर्कटिक ओशन की वार्मिंग अप की वजह से हीट वेव्स जो हैं वो इंडिया में प्रोमिनेंट हुई हैं फॉर दिस पास्ट पर्टिकुलर मंथ. ठीक है, अंटार्कटिक को थोड़ा सा ऑन अ बेसिस ऑफ गेस हटा सकते हो, काफी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा. ठीक है, आर्कटिक में जो अनवॉरंटेड चेंजेस आए हैं, जो कि जिस रीजन की वजह से आर्कटिक वार्म हो रहा है उसकी वजह से जो हीट वेव्स हैं वो इंडिया में आ रही हैं. इंडियन ओशन में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, पैसिफिक एंड इंडियन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. आर्कटिक, अंटार्कटिक इज समथिंग विच यू कैन स्टिल रिमूव. ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन बॉडी अनाउंस्ड अ न्यू ब्रिटिश काउंसिल डेवलप्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. आउट ऑफ द गिवन फोर, कौन सी बॉडी ने ये बोला है कि जैसा ब्रिटिश काउंसिल है डेवलपमेंट असिस्टेंट फ्रेमवर्क का, हम वैसा ही एनईपी पॉलिसी में भी कुछ ऐसा लेकर आएंगे? आई नो इट्स क्रेजी, इवन इन डेली इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 40-41. सो वी हैव AICTE, UGC, CBSE एंड NAAC. सो वी हैव आंसर्स कमिंग एज आकाश हैज आंसर सी, CBSE, विशाल हैज आंसर ए. ऑलराइट, टू मोर पीपल आंसर, देन वील डिस्कस. देबशीष हैज आंसर सी, नितिन हैज आंसर ए. ओ माई गॉड, ऑलरेडी 45 इन भुवनेश्वर, शिट मैन, इट्स क्रेजी हॉट. विशाल हैज आंसर ए, ही इज गेसिंग ऑन ए. अब्दुल हैज आंसर सी. पुनीत हैज आंसर डी. प्रतीक हैज आंसर ए. रश्मिता हैज आंसर ए. करेक्ट ऑप्शन है इसका गाइस CBSE. CBSE जो है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उन्होंने अनाउंस करा था एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क 6 से 10वीं क्लासेस के लिए, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बेस होगा. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज CBSE फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू डिफेंस, वॉट वॉज बजरा दैट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली? तो वज नाम से कुछ भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडिया में इंडक्ट हुआ था. व्हाट वाज दैट? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है या रिमोट कंट्रोल्ड गन है? व्हाट आउट ऑफ द गिवन फोर इज वज्रा? सो वी हैव आंसर्स कमिंग ऑलरेडी. आकाश हैज आंसर बी, नितिन हैज आंसर डी, अब्दुल हैज वेरी
Surely answered B. One more guess and then we'll go ahead quickly, quickly. Puneet has answered B. Vishal has answered C. Sandeep has answered C. Debashish has answered A. Pratik has answered B. Abdul, absolutely Abdul, it's LNT का आई थिंक कंस्ट्रक्शन था. ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है बजरा, जिसको ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, जिसको कमीशन किया गया था सर्विसेज में. इंडिजिनियसली इसको लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है एंड सिक्स ऑफ द सेवन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स में आया है, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्टेबिलाइज रिमोट कंट्रोल गन और पोल्यूशन रिस्पॉन्स सिस्टम है. ठीक है, एब्सोल्यूटली राइट. इट इज द ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल विच हैज बीन इंडक्टेड और इन टू द कमीशन इन टू द सर्विसेज. ठीक है, बी इज द करेक्ट वन रश्मिता, ग्रेट. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज इनॉग्रेटेड द शहीद भगत सिंह स्मारक इन विच स्टेट. तो रिसेंटली जो हम लोगों के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर पोखरियाल, उन्होंने किस यूटी में शहीद भगत सिंह स्मारक को इनॉग्रेट करा था? पंजाब, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा. आई थिंक दिस हैपन्ड ऑन शहीदी दिवस, उसी दिन दिस इनॉग्रल हैपन. सो अब्दुल हैज आंसर बी फॉर श्योर, प्रतीक हैज आंसर बी. ओके, रश्मिता ने आई थिंक लास्ट क्वेश्चन का बी आंसर करा था. सो लेट्स हैव टू मोर पीपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देन वील डिस्कस. पुनीत हैज आंसर बी, नितिन हैज नो आइडिया, रश्मिता हैज आंसर बी, देवाक्षी हैज आंसर बी. करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था टू कॉमेमोरेट 90 ईयर्स ऑफ मार्टिरडम ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. यहाँ पे शहीद दिवस मनाया गया था, जहाँ पे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे मिस्टर पोखरियाल, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करा था दी शहीद भगत सिंह स्मारक. एब्सोल्यूटली राइट अब्दुल, ऑन 23rd of March. ठीक है, एंड द एग्जिस्टिंग कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है फ्रीडम फाइटर्स पे जो भगत सिंह स्मारक में अनाउंस की गई थी, उनको बोला गया था कि एक शहीद स्मृति पुस्तकालय में कन्वर्ट की जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी रिलीजेज द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट? क्रिसिल, फिच रेटिंग्स, इंडारे, स्टैंडर्ड एंड पुअर. तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है द जीईओ, ये कौन सा रेटिंग इसको निकाल के लाता है? आउट ऑफ द गिवन फोर एजेंसीज कौन सा एजेंसी पब्लिश करता है? सो वी हैव प्रतीक हुज आंसर ए फॉर दिस वन. ओके, थ्री मोर पीपल एंड देन वील डिस्कस. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. वी हैव विशाल हुज आंसर ए. ऑल राइट, दीपाक्षी इज आंसर है, उत्सव इज आंसर है, नितिन इज आंसर डी. करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, फिच रेटिंग्स. ठीक है, अमेरिकन क्रेडिट एजेंसी है जो फिच रेटिंग वो निकाल के लाती है द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जीईओ. ठीक है, पुनीत हैज नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट गाइस. आई होप एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. सो वी लर्न अ लॉट ओवर हियर. रश्मिता ने आंसर करा है बी. ऑल राइट सो गाइस, किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन वी डिस्कस सो फार, कोई ऐसा पार्ट जो समझ नहीं आया किसी को, एक बार प्लीज बता दो. इन द मीन वाइल आई विल जस्ट रिपीट दी स्केड्यूल दैट वील बी हैविंग टूडे. अगला क्लास होगा 1 PM पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम टूडे, ये होगा. ठीक है, उसके बाद 2 बजे हम लोगों का इकोनॉमी का क्लास होगा, विच विल हैपन ऑन दी अनअकैडमी ऐप इट सेल्फ. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्लास वुड बी एट 7 PM. फिर से वी विल बी डूइंग अ PYQ मॉक. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रिलियम से रिलेटेड वी विल बी डिस्कसिंग दोज, एंड ऑलमोस्ट पिछले 11 से 12 साल के एल बी डिस्कसिंग. 8 बजे का क्लास YT पे होगा, आर्ट एंड कल्चर. नई सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट करें, नितिन सिंघानिया विल बी कवरिंग. ठीक है, ये वाला YT होगा. एंड द लास्ट क्लास ऑफ द डे वुड बी एट 9 PM, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का होगा, दी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट वी आर कवरिंग चैप्टर वाइज. ठीक है, सो दिस इज द होल स्केड्यूल फॉर द डे. सी यू ऑल एट 1 PM. बी अ पार्ट ऑफ द क्लासेस, 1 PM पे मिलते हैं. थैंक यू सो मच एवरी वन, आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड. एंड बिफोर आई वाइंड अप, अ क्विक रिमाइंडर, प्लीज यूज द कोड SHIVGLIV शिवजी लाइव फॉर कॉम्बैट एनरोलमेंट, और अगर कोई भी पेड कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो उसके लिए लिंक हर कोर्स का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. विशाल, 1 PM वाले क्लास में, 7 PM वाले क्लास में रफली 20 से 25 क्वेश्चन होंगे. 20 तो है ही है, मिनिमम 25 तक होने चाहिए. ठीक है, ओके चिंटू, सो द क्लास टाइमिंग इज 11:45 दैट वी हैव एवरी डे. आप थोड़ा सा लेट हो गए कल से, प्लीज बी अर्ली ऑन टाइम. 11:45 AM वी स्टार्ट दिस क्लास, ये फिक्स टाइम है इस क्लास का. वील बी हैविंग इट इन दिस स्लॉट ओनली. ठीक है, ऑन दैट नोट गाइज, आई विल टेक योर लीव. सी यू ऑल एट 1 PM. थैंक यू सो मच, गुड डे एवरी.